आजमगढ़ में राजस्थान के उदयपुर में दुकान में घुसकर हिंदू टेलर की छुरी से वार कर हत्या करने और पीएम को धमकी देते हुए वीडियो वायरल करने को लेकर आक्रोश बढ़ता जा रहा है। इसी क्रम में आजमगढ़ में कलेक्ट्रेट पर हिंदू जागरण मंच की तरफ से एक अनोखा प्रदर्शन हुआ है, जिसमें हिंदू संगठन के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं अग्रणी होकर हाथों में तमाम पंक्तियां लिखी और मुंह पर काली पट्टी बांधकर ट्रेड पे प्रदर्शन किए और अपनी मांगों का ज्ञापन प्रशासन को सौंपा। हिंदू जागरण मंच के पदाधिकारियों ने बताया कि जिस प्रकार से राजस्थान में हिंदुओं की जनदंडीय हत्या हुई है, समाज के लिए बहुत बड़ी घटना है। वहां की कांग्रेस सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। आरोपियों के खिलाफ उचित कार्यवाही तभी होगी जब उनको बीच चौराहे पर गोली मारकर फांसी पर लटका दिया जाए। अगर राजस्थान सरकार ये नहीं कर पा रही है तो हिंदू जागरण मंच की टीम को बताएं, जिस पर टीम यहां से जाएगी और इस कार्यवाही को अंजाम देगी। उन्होंने कहा कि हिंदुओं का मुंह बंद रखा जा रहा है। राजस्थान से बंगाल तक जहां भी कांग्रेस व अन्य दलों की सरकार है, वहां पर हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। उन्हें सामूहिक रूप से जिंदा जलाया जा रहा है, हत्या की जा रही है, कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। इसी प्रकार रहा तो हिंदू समाज धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। अगर ये घटना उत्तर प्रदेश में अंजाम दी गई होती तो अब तक हथियारों को उनका अंजाम तक पहुंचा दिया गया होता। आजमगढ़ के द्वारा ये प्रदर्शन था, जिस प्रकार से हिंदुओं की आए दिन भारतवर्ष में जो है हत्याएं हो रही हैं, खासतौर से जो है राजस्थान और बंगाल की सरकार में जो है इस प्रकार से कानून व्यवस्था एकदम ध्वस्त हो चुकी है। वहाँ पे आए दिन हिंदुओं को जो है जिंदा जला दिया जाता है, मार दिया जाता है और उनके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं, और एक SIT बनाई जाती है जांच के, जो है क्या नाम है, उसमें जो है कि जांच हो रही है और इन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। लेकिन जो है क्या नाम है, एक वर्ग विशेष जो है क्या नाम समुदाय के लोगों का किसी प्रकार की कोई कड़ी कार्रवाई न होने से इन लोगों का हमेशा मन बढ़ता जा रहा है, अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। और हिंदू जब कोई बोलता है इसके विरोध में तो उसको कहा जाता है कि आप लोग कट्टरता फैला रहे हैं। आखिर हिंदू किस प्रकार से अपने जो है क्या नाम जीवन यापन कर रहे हैं, हिंदू अहिंसक होता है इसका जो है क्या नाम प्रमाण आप सभी लोग देखते आ रहे हैं। इसी प्रकार से नुपुर शर्मा के भी केस में हुआ, जो है उन्होंने जो है बोला नहीं था, बल्कि जो है क्या नाम अपनी एक प्रतिक्रिया दिए थे कि अगर मैं भी इस प्रकार से बोलूंगी तो आप लोगों को कैसा लगेगा। हमारे हिंदू भगवान शंकर आराध्य देव के बारे में जो है एक मुस्लिम के द्वारा जो है लगातार जो है इस्लामिक स्कॉलर जो था उकसाया जा रहा था, उसका जवाब उन्होंने दिया था। उसके बाद भी जो है क्या नाम इस प्रकार से देश में हिंसक प्रदर्शन किए गए, जगह जगह हिंदुओं की दुकानों को जलाया गया, प्रदर्शन किया गया, ये किसी भी प्रकार से जो है क्या नाम है सही नहीं माना जा सकता। और लगातार जो है हिंदू प्रताड़ित हो रहे हैं। हिंदू अगर अपनी बात रखता है जो है तो उस प्रकार से हमेशा ये कहा जाता है कि हिंदू को जो है क्या नाम है कट्टरता फैला रहे हैं। हम तब तक जो है क्या नाम सेकुलर बन करके रहेंगे, जो है हम अपने बच्चों का भविष्य इस तरह से अर्धनग्न की स्थिति में आप लोगों ने प्रदर्शन किया, क्या प्रदर्शित करना चाहते हैं? प्रदर्शित करना ये चाह रहे हैं कि आज की डेट में जो है क्या नाम हिंदू अगर किसी भी बात को बोलने जाता है तो उसके ऊपर ये कहा जाता है कि जो है क्या नाम आप हिंसा फैला रहे हो। हम किस प्रकार से हिंसा, हमारे पूरे शरीर पे से कपड़े उतार दिए जा रहे हैं, लोगों को जो है मार दिया जा रहा है, सारी चीज़ें हो रही हैं। आज हम लोगों ने जो है जब सुनवाई के तौर पर मैं जो है भारत सरकार से यही मांग करना चाहूँगा, ऐसे जो उदयपुर में जो विभत्स घटना हुई है उसको सरेआम फांसी दी जाए, जो है सरेआम जो है क्या नाम है उसको जो है क्या नाम है ऐसी कड़ी सजा दिखा करके जो है दिया जाए, ताकि लोगों में एक मैसेज जाए कि अगर हम गलत करेंगे तो जो है इसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। जो है हिंदू अपने जो है क्या नाम है मनोभावना को आपके बीच में ये दर्शाना चाह रहा है आज अर्धनग्न व्यवस्था में जो है हम किसी भी प्रकार से हमारे शरीर पे जो है क्या नाम है कपड़े नहीं रहने दिया जाएगा, इस प्रकार की जो है अगर वो होती रही तो। आज हिंदू जागरण मंच के तत्वाधान में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिस तरह उदयपुर में कन्हैया लाल जी की निर्मम हत्या कर दी जाती है, दुकान पर जाके सरेआम कत्ल कर दिया जाता है, और कांग्रेस सरकार उस पर कार्रवाई करने के लिए अभी संकोच रही है, मात्र गिरफ्तारी की है, ऐसे लोगों को दुबी चौराहे पर जिंदा जला देना चाहिए, गोली मार देना चाहिए, वो गिरफ्तारी करके बता रहे हैं उचित कार्रवाई की जा रही है। ये होता उचित कार्रवाई, आप जाकर के उसे जो है दुकान में सरेआम कत्ल कर दीजिए और अभी गिरफ्तारी हो, ये उचित कार्रवाई।